बीती रात रतलाम में तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते जिले में कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मकानों की चादरें उड़ गई हैं तो दीवार गिरने की घटनाएं भी घटित हुई हैं। तेज आंधी तूफान से हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, ना ही कोई जनहानि सामने आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो मालिनी नदी समेत अन्य छोटे बड़े नाले उफान पर रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट। आपका प्रकाश पाटीदार कार निवासी कहाँ के? ग्राम बोदीना। अच्छा, तो ये जेसीबी सी पे जो चद्दर उड़े कैसे उड़े, क्या मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने दिन में कायदे खत्म करके जो एक जगह गाड़ी स्टॉप पे खड़ी करी थी, वहाँ रात में खड़ी करी, रात में तेज बारिश और आंधी के साथ पास में खड़े जो मकान था उस मकान से जो टीन सेट उड़कर सारे के सारे गाड़ी के आके ऊपर गिर गए, जिससे गाड़ी के गेयर बॉक्स, गाड़ी के कांच, साइलेंसर, टायर और अन्य ऐसी बहुत सी जो नुकसान हुआ है, और मकान मालिक का सारा सेट और मकान पूरा दीवार वगैरह 10 के ऊपर आ गई। गाड़ी के ऊपर तो सेट आया हुआ है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? अब अभी पूरा देखा नहीं, हमने जोड़ा नहीं, पर भारी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। गाड़ी के पंप में स्क्रैच आए, पंप भी एक टेढ़ा हो गया है, गेयर बॉक्स टेढ़ा हो गया है, कांच टूट गया है, आगे रेडिएटर डैमेज हो गया है, कलर डैमेज हुआ है, बहुत ही ऐसा नुकसान हुआ है।